नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे सैलरी एंड डिजर्वेबल एक्सपीरियंस क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट डेट कैसे आपको अप्लाई करना है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट्स दिए गए हैं हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड जरूर होना चाहिए एंड फर्स्ट डिविजन में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एज लिमिट अगर देखा जाए तो 45 इयर्स तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 5 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कोई भी रेपुटेड स्कूल में प्लस 2 लेवल का। ओके, उसके बाद टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो सब्जेक्ट्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विद बीएड एंड आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट डिवीजन में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ साथ 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी रेपुटेड स्कूल से क्लास 2 लेवल में, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एनटीटी का पोस्ट है मदर टीचर, जिसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ एनटीटी होना चाहिए या फिर मॉन्टेसरी ट्रेनिंग 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी सारे पोस्ट मैंने बताया सभी का यहाँ पे सैलरी जो है वो मिलने वाला है एज पर 7th सीपीसी एंड उसके साथ साथ जो है 46% आपको डीए भी मिलेगा यानी कि डियरनेस अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। बाकी स्पेशल एजुकेटर एंड अकाउंटेंट के लिए सैलरी जो है वो नेगोशिएबल है, 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए एंड स्पेशल एजुकेटर के लिए एज पर सीबीएसई नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड अकाउंटेंट के लिए अगर आपने बीकॉम किया है ऑनर्स प्लस सीए इंटर तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन करना है, कोई हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट www.oxfordpublicschool.net.in एंड यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए अगर आप सिलेक्ट मतलब शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको बुलाया जाएगा फॉर द रिटन टेस्ट एंड आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट आपको इंटरव्यू में अपियर होना होगा, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के द्वारा ही किया जाएगा। बाकी यहाँ पे लास्ट डेट देख सकते हैं 1st अक्टूबर तक, अक्टूबर मिडनाइट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरी सजेशन यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस को कम्प्लीट कीजिए। वैसे तो काफी टाइम है मतलब एप्लीकेशन के लिए, बट फिर भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस को कम्प्लीट करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आया है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल प्रगति पथ रांची झारखंड की तरफ से। ये एक सीनियर सेकेंडरी कोएड इंग्लिश मीडियम स्कूल है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं एंड एज वेल एज यहाँ पे मेल आईडी भी दिए गए हैं। कोई भी क्वेरीज या फिर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो आप यहाँ पे कॉल करके या फिर मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं, कहाँ पे ये नोटिफिकेशन मिलेगा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज में आपको आना है एंड देन नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको लेटेस्ट नोटिस में दिख जाएगा टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024-25। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लॉग इन करके आप फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी जो भी डाउट्स है आपका 100% क्लियर करने के लिए एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को ही पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।